बहुत खुशी हो रही है माधुरी जी को यहाँ देखकर। मुझे याद है कि जब मैंने जिंदगी में पहली बार देखा, शी मस्ट बी 18 or 19 ईयर्स ओल्ड इन फिल्म सिटी व्हेन शी हैड कम। वो पिक्चर भी इनकी नहीं शुरू हुई थी, उस वक्त की बात है व्हेन सुभाष वाज गोइंग टू साइन हर। और वाकई इन्होंने अपना पूरा एक्टिंग का सफ़र जिस डिग्निटी और जिस तहजीब के साथ किया है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। शी इज़ एन एक्सेप्शनली टैलेंटेड एक्टर। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि माधुरी दीक्षित जैसे टैलेंटेड एक्टर और श्रीदेवी जैसे टैलेंटेड एक्टर, मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत, दोनों ने बेहद अच्छा काम किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने इनके टैलेंट को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए। क्यों ऐसा लगता है? उसकी वजह यह है कि जो ये केपेबल हैं, आपने जो देखा है, ये मैं एज अ राइटर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर पूरी यकीन से कह रहा हूँ कि वट एवर यू हैव सीन ऑफ हर इज नॉट इवन 1/4 ऑफ अ टैलेंट। कभी आपको ऐसा लगा? कभी आपको ऐसा लगा? और ये मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है कहने की, मैं यही बात श्रीदेवी के बारे में भी कहूँ। इन दोनों को वो रोल ही नहीं मिले, और ये नालाकी हमारी है कि हम इन्हें ऐसे रोल नहीं दे सके कि जिसमें इन ये अपने पूरे टैलेंट को दिखा सकते। ये तो आपने जो देखा है ये माधुरी दीक्षित का प्रोमो है, ये ट्रेलर है जो आपने देखा, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ, दिस गर्ल इज केपेबल ऑफ डूइंग एज गुड वर्क एज एनी एक्टर इन द वर्ल्ड। आपने काम ही नहीं दिया उसे, वो रोल में वो गुंजाइश ही नहीं दी, तो कितना करे। इतने में भी शी हैज डन सो मच, दैट्स हर अचीवमेंट।